और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुपर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जान लीजिए। फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दसवीं और बारहवीं देने वाले बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और बोर्ड के सचिव ने मिलकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी जिलों की टॉपर लिस्ट भी तैयार हो गई है और टॉपर वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट की ऑफिशियल डेट क्या है सब कुछ बताएंगे और रिजल्ट आप निकाल कैसे सकते हैं अपने फोन में, सब कुछ आपको सिखा के जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लें कि दसवीं और बारहवीं के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। इसके लिए 252 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे जहां पे आपकी कॉपियों की चेकिंग हो रही थी। ठीक है, कॉपियों की चेकिंग में भी बहुत सावधानी बरती गई है, कैमरों के माध्यम से निगरानी की गई है। सबसे पहले हम आपको बता दें, ज्यादातर हर राज्यों की बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो चुकी है और जहां भी रह गई उनको ये कड़े निर्देश दिए गए हैं मीटिंग के माध्यम से कि आप अपनी बोर्ड की परीक्षाएं जल्द से जल्द करवा लें क्योंकि चुनाव की डेट आ चुकी है। ठीक है, लोकसभा चुनाव होने हैं जिसकी डेट भी सामने आ गई है, अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में चुनाव होने हैं। ठीक है, जिसको लेकर ये अहम फैसले किए गए हैं कि आप अपनी जो परीक्षाएं हैं वो जल्द से जल्द करवा लें ताकि उनका रिजल्ट घोषित किया जाए क्योंकि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू हो जाएगी जिसके कारण ये कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, बोर्ड में रिजल्ट की तारीखों का लेकर बहुत ही छात्र परेशान। ठीक है, नतीजों के लिए आपको क्या करना होगा, upeducation.org वाली वेबसाइट या upresult.nic वाली वेबसाइट पर आप रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन किया था, करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने इस बोर्ड की परीक्षा को छोड़ दिया था। हाई स्कूल में इनकी संख्या 25 लाख और इंटरमीडिएट में संख्या 22 लाख तक रही है। ठीक है, तो बात कर ले रिजल्ट आप कैसे निकाल पाएंगे, इसके लिए आपको गूगल पे क्या करना है, upresult.nic.in लिख कर आपको सर्च करना है या तो आप upresult.education.org लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, ऊपर ही आपकी वेबसाइट आ जाएगी। जैसे ही आप टैप करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के लिए अलग अलग लिंक दी हुई होंगी, आप जिस क्लास में हो उस क्लास के लिंक को आपको टैप करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। ठीक है, तो उसमें भरना क्या होगा देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। इसमें केवल और केवल विद्यालय कोड मांगेगा और आपका रोल नंबर मांगेगा जो कि प्रवेश पत्र में दिया रहता है, प्रवेश पत्र ढूंढ के रखिएगा। अगर आप हाई स्कूल में हैं या फिर इंटरमीडिएट में तो आप अपना रोल नंबर और विद्यालय कोड भर के और जैसे ही सबमिट करेंगे रिजल्ट खुल के आपके सामने आ जाएगा।